सो हे गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, आप जैसे कि जानते हो कि आपका जो DCA का एग्ज़ाम है वो अभी 3-4 दिनों के अंदर ही होने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि हमें जो DCA का एग्ज़ाम है उसमें जो एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस क्या है, कि उसमें एप्टीट्यूड में किस टॉपिक में से हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको DCA में जो एप्टीट्यूड आएगा उसमें से आपको किस टॉपिक में से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है यार, ये जो आपके पिछले जो DCA हो चुके हैं उसके बेसिस पे है। जो पिछले DCAs में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इन टॉपिक में से आपको DCA में क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा यार कि आपको किस टॉपिक में से क्या पढ़ना है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर पाओगे DCA के लिए, ठीक है। और आप अपना DCA का एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे पाओगे, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले जो आपका जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एप्टीट्यूड में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है एवरेज के, ठीक है। एवरेज एक टॉपिक होता है आपका एप्टीट्यूड में, उसमें से आपके क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है। परसेंटेज में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस में से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। और एलिगेशन और मिक्सचर, हाँ यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एलिगेशन और मिक्सचर के भी आपको क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कभी कभी पूछे गए हैं, लेकिन इसकी थोड़ी चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन आ जाते हैं, कभी जब भी आ जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, और इसमें आपको मिल जाएंगे एजेस, जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस वाले, ठीक है। वो क्वेश्चन भी इसमें आपके जो DCA है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करें कि भाई डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा आपका DCA का, तो यार डिफ़िकल्टी लेवल इसका मैं कहूँ तो 55%, 55-60% के बीच में आपका जो एप्टीट्यूड का जो वो होगा, डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो टफ़ होगा, यानी कि 50-60% के बीच में आपका जो एप्टीट्यूड का लेवल होगा वो टफ़ होगा, ठीक है। उससे नीचे बात करें तो 30% के आसपास, ठीक है। तो ये आपका होगा कम से कम मीडियम होगा, ठीक है। और बाकी जो आपका 15% या 20% बचा उस वो आपका इजी होगा, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो यार अच्छा खासा होने वाला है, आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने DCA के लिए। यदि आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छी होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपकी कोडिंग अच्छी होना चाहिए, और वर्बल एबिलिटी भी आती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी अच्छी खासी डिफ़िकल्ट चीज़ें आती हैं, ठीक है। कोडिंग की बात करें तो कोडिंग आपका मीडियम लेवल का होगा, इतना हार्ड कोडिंग नहीं होगी, एडवांस कोडिंग वो कहते हैं, लेकिन मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। इजी नहीं आएंगे, ठीक है, जो आप सोचो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिंट करवा दिए, ठीक है, प्रिंट वाले तो कभी नहीं आते, ठीक है। तो प्रिंट वाले नहीं आएंगे, मीडियम लेवल के आएंगे। तो मीडियम लेवल के आपको खुद देखना पड़ेंगे कि वो किस टॉपिक में से आपको आएंगे, ठीक है, लेकिन उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो मीडियम होगा, ठीक है। साथ ही साथ में यार मैंने आपको बता ही दिया इसमें कि आपके एप्टीट्यूड में से आपको किस किस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये आप टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना यार, क्योंकि यदि हम पीछे की बात करें, पीछे DCAs जो हुए थे उसमें भी इन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आए थे। इसके साथ में और भी टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट चांसेस इनके रहते हैं ये टॉपिक्स के, कि इन टॉपिक्स में से मोस्टली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स आपको बता दी कि आप इन इन टॉपिक में से इन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस से पढ़ना, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ये बहुत सारे लोगों का डाउट था कि भाई एप्टीट्यूड में से क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं यार ये ऑफिशियल नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये ऑफिशियल टॉपिक्स नहीं है कि इन्हीं में से आएगा, इनके अलावा भी आ सकते हैं, बस ये है कि इनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसमें प्रिपेयर कर लेना, मैंने आपको बता ही दिया। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सी या बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।